press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हमारी ऐसी ब्रांडिंग हो गई है ना कि मैं क्या बोलूँ आपको. ऐसा देखिए क्या होता है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छी कहानी कहें, और हम एक प्रीमियम कंटेंट मेकर, हम हिस्टोरिकल माइथो ज़्यादा बनाते हैं. मैं ऐसे डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक मैसेज होता है हमेशा, उसमें एक चैलेंज होता है पहला तो क्रिएशन का. उसके पहले कोई भी आप ऐसी कहानियाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कल उठ के आपने बना ली, तो आपको पहले पढ़नी पड़ती है, तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो. इसमें भी वही चीज़ें थी. इसमें क्या था कि जब मुझे BBC और गेट्स फाउंडेशन लोगों ने बोला कि हम चाहते हैं कि सैनिटेशन पे कुछ बनाना, तो पहले तो मैंने सोचा कि रियली व्हाट यू गाइस वांटिंग टू से, मतलब क्या करना है इस पर. तो उन्होंने बोला कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि फ्लश के बाद की कहानी क्या होती है, आपके शिट की कहानी क्या होती है. सो यू आई सेड यू वांट टू मेक मी टू मेक अ स्टोरी ऑन द लाइफ ऑफ शिट, यू नो. सो दे वर लाइक इट्स वेरी क्लोज टू दैट, बट आई थिंक यू नीड टू बी एजुकेटेड. सो देन वी हैड अ मीटिंग विद देम. दे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया चीज़ें समझने में. एग्जैक्टली उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि हमारे देश में भी हो क्या रहा है, आपके घरों में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बताई. तो मुझे लगा कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हम इसे मास तक कैसे पहुँचा सकते हैं और हम कैसे इसे एक एंटरटेनिंग तरीके से कह सकते हैं, तो मुझे वो चैलेंज लगा कि अब हम शिट की कहानी कैसे कहें, यू नो, क्योंकि हम दिखा तो नहीं सकते, यू नो, और हम ज्ञान भी नहीं दे सकते, हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं. तो ये इतना चैलेंजिंग था कि इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ा कि हम इसे अगर लोगों को ज़बरदस्ती बोलेंगे ये देखो तो कोई देखेगा नहीं. तो इसमें सबसे डिफ़िकल्ट काम ये था कि हम इसकी कहानी किस तरह से बनाएं, हम किस तरीके से लोगों को ये दुनिया दिखाएं बिना इनको यू नो उस जगह के बारे में या शिट के बारे में या एपिसोड में ऐसे ज्ञान नहीं दें कि ऐसा करना है. तो वो काफ़ी टफ था. तो वो इस तरह के चैलेंज नॉर्मली आपको कहाँ करने को मिलता है. और स्पेशली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 26 एपिसोड ही थे, यू नो, ऐसा भी नहीं था कि ये नेवर एंडिंग चलेगा, यू नो. तो मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद आती हैं कि एक लिमिटेड नंबर का हो और प्लस यू नो कुछ नया करने को मिले. तो उसी लिए फिर ये मोहल्ला बनाया, और किस तरीके से जो बना भी है, जो आप देखोगे ये, आई होप यू गाइज वॉच. मुझे लगता है आप लोग कुछ नहीं देखते हो, तो आप लोगों को भी कुछ देखना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ये बना है ये बहुत ही एंटरटेनिंग है. आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि हम इसके पीछे कुछ ज्ञान दे रहे हैं, और देखते देखते आप भी समझ जाओगे कि नहीं, हम कुछ कहना तो चाह रहे हैं.